दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। मेरा नाम अर्जुन है। जो घटना मैं आपको बताऊंगा, वह तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। हमारे कॉलेज की तरफ से जंगल के लिए एक टूर जा रहा था, जिसमें मैं भी शामिल था। ठंड का मौसम था, इसलिए हम सब आग जलाने के लिए लकड़ियां लाने चले गए। मैं निकला तो अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैं जंगल की खूबसूरती में खो गया और ना जाने कब बहुत दूर निकल गया। अचानक बादल गरजने लगे और तेज़ बारिश होने लगी। लगातार बारिश होने से मैं पूरी तरह भीग चुका था। कहीं मुझे ठंड ना लग जाए, इसलिए मैं आसपास कोई शेल्टर ढूंढने लगा कि तभी मुझे एक लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दी और दूर से ही देखकर लग रहा था कि उसमें बहुत से लोग रहते हैं। मैं भागता हुआ उस बिल्डिंग में जा घुसा और एक नर्स से टकराते हुए बचा। वो नर्स मेरी हालत देखकर कहती, बहुत भीग चुके हो, बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर कोई भी मिले तो उसे कहना कि सिस्टर जूलिया ने मुझे सूखे कपड़े देने को कहा है। मैं कुछ कदम आगे ही चला कि तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंककर जब पीछे मुड़ा तो देखा कि आर्मी की वर्दी में एक नौजवान खड़ा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कैप्टन विनोद हूं और ये एक आर्मी हॉस्पिटल है। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैंने उसे जूलिया नर्स की कही हुई बातें बता दी कि तभी उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई और वह बोला, तो तुम सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हो, चलो मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तो मैं कैप्टन विनोद के साथ उनके कमरे में चला गया, जहाँ उन्होंने अपनी अलमारी में से मुझे कुर्ता पजामा दिया। मैं कपड़े बदलने जब बाथरूम में गया तो मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी जो खून से भरी हुई थी। मैं घबरा कर बाहर निकलने लगा कि तभी मेरी नज़र बाथरूम में लगे आईने पर पड़ी और जो मैंने देखा उससे तो मेरे होश उड़ गए। उस आईने में मेरा शरीर तो दिख रहा था, लेकिन मेरा सिर गायब था। ये सब देखकर मैं बेहद घबरा गया। मैंने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैं वहां से भागने ही लगा कि अचानक मुझे कैप्टन विनोद की कड़कती हुई आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, तो तुमने सब कुछ देख लिया, जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम यहां से नहीं जा सकते। फिर उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, सैनिक लोगों की रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम बहुत दूर आ चुके हो और शायद आज अपने साथियों के पास नहीं पहुंच सकोगे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं खुद तुम्हें अपनी जीप में वापस छोड़ आऊंगा। मैं थोड़ा रिलैक्स होकर उसके बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, एक बार दुश्मन देश के दो सैनिक धोखे से हमारे सैनिकों के भेस में यहां पर एक घायल सैनिक को ले आए। हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। पर अचानक अपने घायल साथी को हमारे बीच पाकर हम सब बहुत खुश हुए और बिना जांच पड़ताल किए हमने उन दो सैनिकों को गेस्ट रूम में ठहरा दिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और पूरे का पूरा हॉस्पिटल एक खंडर में तब्दील हो गया और बदकिस्मती से उस ब्लास्ट में कोई नहीं बच पाया। कैप्टन की बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैंने कहा कि यह अस्पताल तो बिल्कुल सही सलामत है, और अगर उस ब्लास्ट में कोई नहीं बचा तो आप कैसे बच गए। ये सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई और वह जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे, यह घटना तो 10 साल पहले घटी थी और मैं तो 50 साल पहले ही मर चुका हूं। यह सुनकर मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने दोस्तों से घिरा हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि वह सब मुझे ढूंढ रहे थे कि तभी एक आर्मी ऑफिसर तुम्हें अपनी गाड़ी में हमारे पास ले आए। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे ये कहकर चले गए कि उन्हें एक जरूरी काम है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वे कैप्टन विनोद थे तो सबने हाँ में जवाब दिया। और अगले दिन मैं सबको लेकर उस अस्पताल की तरफ गया तो जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। वहां अस्पताल की जगह एक जला हुआ खंडर था, जिसके एक टूटे हुए पत्थर पर लिखा था, द आर्मी हॉस्पिटल। आज भी इस घटना को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप कुछ ऐसी ही भूतहा कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं।